वीरेश पांडे ब्यूरो चीफ लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है। वीरेश, क्या जानकारी? देखिए, जानकारी तो रामचंद्र प्रधान जी देंगे। पूर्व एमएलसी हैं, यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं, छात्र नेता रहे हैं, इनके भाई जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं और इसी जमीन पर 1990 से लगातार सक्रिय हैं। तो रामचंद्र प्रधान, बताइए लड़ाई में हैं कि नहीं? लड़ाई में वो देखिए, 36 सीटों पे चुनाव हो रहा है, जिसमें 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने भी जीत चुकी है। 27 सीटों पे चुनाव हो रहा है जिसका आज रिजल्ट आना है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 27 की 2700 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। अरे कुछ छोड़ेंगे नहीं क्या? इसी के लिए कुछ छोड़ेंगे नहीं? ये हम लोगों को क्या छोड़ना है, जनता तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हमारे नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, लोगों को उन पर भरोसा है। इसलिए जो ये प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ है, प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत के सदस्य, सभासद, चेयरमैन, इन लोगों ने वोट किया है। सबको ये उम्मीद है, सबको ये आशा है, भरोसा है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसी में जनता का भला है, इसी से भलाई होगी। कैसे भला होगा? जनता का जनहित में सारे काम किए जा रहे हैं, सरकार हमारी काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूरा जो जनप्रतिनिधि हैं, अभी मैं आपको बताऊं, इस पंचायती राज व्यवस्था को हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत मजबूत करना चाहते हैं। इस आशा से सबको ये भरोसा है कि जो व्यवस्था सरकार में, चूंकि अभी तक हमारी बहुमत की सरकार 2017 में होती थी, लेकिन हमारा विधान परिषद में बहुमत नहीं होता था, जो जनहित के निर्णय सरकार लेती थी वो विपक्ष के द्वारा रोक दिए जाते थे। अब इससे जो जनहित के कार्य होने हैं, जो छात्रों के, अच्छा ये बताइए, जो साजन लड़ रहे हैं, सुनील साजन, तो साजन का क्या होगा? अब साजन का तो साजन जाने, बाकी उनका क्या होगा? साजन चले ससुराल, साजन चले ससुराल। हाँ, ससुराल चले जाएंगे। गोविंदा की फिल्म याद आ गई। देखिए नेताजी, पूरा चुनाव, अरे इसी नारे के लिए तो नेता जो है तरसता है लगने। लखनऊ उन्नाव की लगभग 20-25 दिन से लगातार मैं लखनऊ उन्नाव में दौड़ कर रहा हूँ, कहीं पर ना तो वो नजर आए और जहाँ एक व्यक्ति नहीं मिला कि जो ये कहता कि 6 साल में उनको एक बार भी देखा। 6 साल में 6 बार तो छोड़ो, एक बार भी किसी ने उनकी शक्ल नहीं देखी। फिटनेस वो ठीक रखते हैं, लगता है कि लगातार वो दौड़ भाग कर रहे हैं जनता के। देखिए, जनता के बीच में सवाल नहीं है, सवाल है कि पिछली बार वो धोखे से बन गए थे, पिछली बार चुनाव नहीं लड़े थे। अच्छा, धोखे से भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी था उसको लोग लालच दे करके उन्होंने उससे विड्रॉ करा दिया था और चुनाव विड्रॉ करा दिया तो वो निर्विरोध हो गए। इस बार आया ऊंट पहाड़ के नीचे, आपकी पता चला। एक छात्र नेता की लड़ाई दूसरे छात्र नेता से। तो गई तो मैं कह रहा हूँ कि इस बार उनको लगा होगा कि चुनाव होता है, पिछली बार तो धोखा देकर हो गए ना, बिल्कुल किसी तरह से हो गए। इस बार लग रहा है कि कड़ा मुकाबला है। कड़ा मुकाबला कहीं मुकाबला है ही नहीं, मुकाबला तो हमारे आपस में है, मुकाबला ही नहीं है। 98 टक्कर में कोई भी मुकाबला नहीं, अगर 50 वोट पा जाए तो बहुत बड़ी बात है, 50 वोट भी नहीं पाएंगे। मतलब वो पहले चुनाव पहले ही सरेंडर कर दिए, एक तरफा चुनाव है। अरे भाई नेताजी, आपसे ज्यादा उत्साहित तो आपके समर्थक है। और ये तो इसके साथ साथ जितना प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत के सदस्य, ये देखिए जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष खड़े, सबने पूरे लखनऊ और उन्नाव दोनों जिलों में बड़ा उनके भाई हमारे मित्र हैं, भाई हैं, भाई हैं। बिल्कुल ठीक है वीरेश जी, रामचंद्र प्रधान जो है वो जीत का दावा लगातार कर रहे हैं और सुनील सिंह साजन कहीं रेस में है ही नहीं, ये उनका दावा। लेकिन रिजल्ट के आने का इंतजार करना होगा, जैसे ही काउंटिंग पूरी होगी वैसे ही पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी।